हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एमपीजी के यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग दो टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका है तीसरा टेस्ट। कौन सा? तीसरा। याद रखिए, पहले आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बड़े डिटेल के साथ पढ़ लीजिए, विस्तार के साथ, ठीक है? उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि आप लोग जानते हो टेस्ट कभी तभी दिए जाते हैं, परीक्षाएं तभी दी जाती हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। आप लोग जाकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में सभी लेक्चर डले हुए हैं। चलिए तो हम लोग तीसरा टेस्ट देखते हैं। इंदौर ज़िले के बारे में क्या सत्य नहीं है? जो आपका इंदौर जिला है इसके बारे में क्या सत्य नहीं है पूछा है। मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र है, सही है ये। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र है, सही है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र भी है यहाँ, सही है। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा है। तो एक में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भोपाल जिले के संदर्भ में सही है? मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सही है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क, सही है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान प्रस्तावित, सही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सही कथन सही है मध्य भोपाल के संदर्भ में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है तीसरा अगला हमारा। क्या है तीसरा क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन सागर जिले के संदर्भ में सही है? मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला है, सही है। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख है यहाँ, सही है। साउर साउर नामक जनजाति है यहाँ, सही है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, सही है। आपके चारों कथन सही हैं सागर जिले के संदर्भ में, तो इसमें आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर तीन में आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, देवास जिले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात औद्योगिक पार्क, ये सही है। बैंक नोट प्रेस, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल आर्ट थाना, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम, ये आपका गलत है। क्या है क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा? डी, क्योंकि गलत कथन पूछा है, ठीक है? तो देवास आपका मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम नहीं है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच। क्या है? राज्य के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर किसकी सहायता से लगाया गया है? तो याद रखिए, विश्व बैंक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपका ए कथन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है छठवा, मध्य प्रदेश की प्रथम झींगरा हैचरी किस जिले में स्थापित की गई? बालाघाट। क्वेश्चन नंबर छठवे में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात अंगला, जबलपुर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? याद रखिए, जबलपुर के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह देश का पहला रत्न परिष्कृत क्षेत्र है, सही है।
यह देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र है, सही है। यहाँ राज्य का राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी है, सही है। यहाँ राज्य का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है, ये आपका गलत है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपका? ए बी सी कथन सही है, लेकिन जो डी है आपका ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि सत्य कथन सत्य नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जबलपुर है, बिल्कुल सही है। अलीराजपुर भगोरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, सही है। 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया था, सही है। कट्टीवाड़ा झरना धार जिले में, ये आपका गलत है। क्या है क्वेश्चन आपका? डी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी होगा, क्योंकि डी ऑप्शन असत्य है। ठीक है, बाकी ए बी सी सत्य है। क्वेश्चन है हमारा 9, शाजापुर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? जो आपका शाजापुर जिला है इसके बारे में सत्य क्या नहीं है इन ऑप्शन में से? तो यहाँ मोमन बड़ोदिया मेला लगता है, ये सत्य है। यह राजस्थान से लगा पूर्व जिला है, ये आपका गलत है, इसमें असत्य है। यह नलखंडा का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ यहाँ रावण की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए सी डी सत्य है शाजापुर के बारे में, लेकिन इसमें बी ऑप्शन आपका गलत है, यह राजस्थान से लगा पूर्वी जिला नहीं है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खेल एवं व्यवसायिक राजधानी, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, पहली स्थायी लोक अदालत, एग्रो बिजनेस समिट 2012। निम्न कथनों का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह आपका इंदौर से। ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये आपके इंदौर जिले से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11, निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रथम टिश्यू कल्चर लैब, ताप्ती नदी का उद्गम मुलताई, कालीवीद अभ्यारण्य, कोरकू जनजाति, संतरा मंडी, बसाड़ी ताप विद्युत केंद्र। उपयुक्त विशेषताएं जो दी गई हैं इस पांचों किससे संबंधित है? तो ये आपकी बैतूल जिले से संबंधित है। क्या होगा 11 में क्वेश्चन नंबर में? आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन कौन सा? 12, मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला है, मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला है आपका देवास, सी ऑप्शन 12 में आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा 13, कश्मीर ए मालवा किसे कहा जाता है? कश्मीर ए मालवा आपका नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। भोपाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोपाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्त मोहम्मद खान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 15, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वैधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 16, माप तौल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? माप तौल प्रशिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 18, रामवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? सतना जिले में। ठीक है, रामवन संग्रहालय आपका सतना जिले में है। क्वेश्चन है 19, चूनांग नगरी के रूप में विख्यात जिला है? कटनी। चूना नगरी के रूप में विख्यात जिला है कटनी। ये ऑप्शन सही है 19 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 20, धान उत्पादक शीर्ष जिला है? धान उत्पादक शीर्ष जिला है आपका बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसकी? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। शीतलनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर है? शीतलनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो यह आपकी विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला है? पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला है राजगढ़। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, पशुपति नाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर में? पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ है? मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन है 24, रीवा संभाग के किस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? भरहूत स्तूप की। 24 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है? पन्ना। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, राज्य का सर्वाधिक नवगठित जिला कौन सा है? आगर मालवा। ये आपका 51वां जिला था। ठीक है, और 52वां जिला आपको बताना है कौन सा बना है नया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 52वां जिला आपका कौन सा बना हुआ है, वो किस जिले से अलग करके बनाया गया है इसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो भी आपका टेस्ट खत्म किया था उस टेस्ट में हम लोगों ने बात की थी एक नए जिले 52वें जिले के बारे में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका 27, पैंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका छिंदवाड़ा में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28, बेजू बाबरा की समाधि है चंदेरी में? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 29, रामायण संग्रहालय स्थित है कहाँ? ओडिशा में। रामायण संग्रहालय स्थित है ओरछा में। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ओरछा किस जिले में पड़ता है? ओरछा जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में पड़ता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 30, अगला क्वेश्चन क्या है 30, निम्न में से कौन सा शहर तालाबों का शहर कहा जाता है?
तालाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31। सांची पर्यटन स्थल किस शहर के निकट स्थित है? भोपाल। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 32। बारना स्थित है रायसेन में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33। मंदिरों के बटेश्वर समूह किस समूह में स्थित हैं? मोरेना। मंदिर के बटेश्वर समूह किस शहर में स्थित हैं? मोरेना शहर में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है? वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? मेघनगर औद्योगिक केंद्र आपका झाबुआ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ए ऑप्शन सही है। 36। NFL की स्थापना विजयपुर में किन देशों के सहयोग से हुई थी? ते हुई थी अमेरिका, इटली के। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 37। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्राइंगल इन देशों को कहा जाता है? किनको, किन क्षेत्रों को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल? ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सी ऑप्शन सही है। अड़तीस। शिवपुरी जिले में कौन सा अभयारण्य भारतीय सारंग सौन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका करेरा पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 39। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? अलीराजपुर। क्वेश्चन है हमारा 40। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित है? बैतूल में अमला। 40 में आपका सी है। क्वेश्चन है 41। प्रसिद्ध मेयर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मेयर माता का मंदिर आपका सतना जिले में स्थित है। 42। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी कहाँ स्थापित की गई? तो ये होशंगाबाद में। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी आपकी होशंगाबाद जिले में स्थापित की गई। ए ऑप्शन सही है 42 में। ठीक। क्वेश्चन है 43। किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय सर्वप्रथम ऑनलाइन हुआ? तो ये था आपका होशंगाबाद। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका तीसरा टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग चौथा टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है।